हे कंज्यूमर, दिस इज़ प्रशांत गोवर, आप देख रहे हैं देसी कंज्यूमर। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था फ्लिपकार्ट की फ़ोन एक्सचेंज अपडेट से रिलेटेड, कि मतलब फ्लिपकार्ट एक पॉलिसी लेकर आया, अब आपके पास कोई भी फ़ोन है, एनी स्मार्टफोन इन एनी कंडीशन, वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपके पास कोई भी टूटा हुआ फ़ोन पड़ा है, उसकी स्क्रीन टूटी है, पीसेस टूटा है, कहीं से भी टूटा है, तो आपका एक्सचेंज हो जाएगा। अब बचता है क्या कि वो जो फ़ोन है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, मतलब कि उसका डिस्प्ले वर्क करना चाहिए, उसकी स्क्रीन वर्क करनी चाहिए और कीज़ वर्क करनी चाहिए और कुछ से कॉल हो प्रॉपरली और एप्लीकेशन जो सभी उसमें वर्क करनी चाहिए। मतलब आपका फ़ोन कहीं से भी टूटा है, कुछ भी है, कितना भी पुराना है, किसी भी ब्रांड का, वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इसका कुछ प्रूफ नहीं था, मतलब पूरी डिटेल नहीं थी कि कैसा फ़ोन एक्सचेंज हो सकता है या नहीं, कि मतलब फ्लिपकार्ट कोई झूठी पॉलिसी बना रहा है, या फिर जब आप प्लेस करने जा रहे हैं ऑर्डर वहाँ पर लिखा रहा है कि आपका फ़ोन टूटा नहीं होना चाहिए, ये रिलेट मतलब इन चेक से गुजर कर आपका फ़ोन जो है रेट एक्सचेंज होगा। तो हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं था और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि किस टाइप का फ़ोन यहाँ से टूटा है, कहाँ से टूटा है, यहाँ पर स्क्रीन पर कोई धब्बा है, ये एक्सचेंज होगा या नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ प्रूफ के लिए, मैं एक अपना फ़ोन एक्सचेंज करने वाला हूँ जो कि 6 साल पुराना फ़ोन है, एक सोनी एक्सपीरिया का। तो मैं उसे एक्सचेंज करने वाला हूँ, मैं आपको पहले उसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये वो फ़ोन है, तो देखिए यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ है, इसकी जो एक की है वो भी टूटी हुई है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम रॉकर की, और यहाँ पर एक कैमरा बटन होता है वो भी टूटा हुआ है, और यहाँ से भी बहुत टूटा हुआ है, और मतलब ऊपर की दोनों साइड से टूटा हुआ है। और ये देखिए जो वर्क है ये प्रॉपरली कर रहा है। तो देखिए कितना टूटा हुआ फ़ोन है, और ये 6 साल पुराना फ़ोन है। तो मैं इसे एक्सचेंज करने वाला हूँ, इससे हमें प्रूफ मिल जाएगा कि फ़ोन एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई भी कंडीशन में फ़ोन हो, बस वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ से धब्बा है, या फिर कहाँ पर जो विश मास्टर है जो एक्सचेंज करने के लिए आएगा फ़ोन, कि वो फ़ोन ले रहा है या नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो मिलते हैं कल। तो हे कंज्यूमर्स, हो चुका है एक दिन और विश मास्टर आया और जो फ़ोन है एक्सचेंज नहीं हुआ। ये रहा वो फ़ोन जो मैंने एक्सचेंज के लिए कहा था, एक्सचेंज नहीं हुआ। तो देखिए वर्किंग कंडीशन में था लेकिन फिर भी एक्सचेंज नहीं हुआ। तो फ्लिपकार्ट ने जो कंडीशंस डाली हैं कि आपका कोई भी फ़ोन हो किसी भी कंडीशन में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये सच में नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे विश मास्टर ने कहा कि जो आपका फ़ोन है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए पहली बात, और कहीं से टूटा ना हो, जैसे मेरा यहाँ से फ़ोन टूटा हुआ ये नहीं होगा एक्सचेंज, स्क्रीन पर कोई दाग धब्बा है तो भी नहीं होगा एक्सचेंज, कहीं से क्रैक है तो भी नहीं होगा एक्सचेंज, या फिर स्क्रीन पर क्रैक है तो भी नहीं होगा एक्सचेंज, और कहीं से कीज़ बटन वगैरह टूटे हुए हैं तो भी नहीं होगा एक्सचेंज। तो मतलब देख लीजिए लंबी लिस्ट है फ़ोन, अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी नहीं होगा एक्सचेंज। तो देख लीजिए बहुत लंबी कंडीशंस है फ़ोन एक्सचेंज से रिलेटेड, मतलब उन्हें एक बढ़िया सा फ़ोन चाहिए एक्सचेंज के लिए जिसकी 1000 रुपये वैल्यू देंगे वो। और बात करें अगर आपके पास टूटा हुआ फ़ोन है वो एक्सचेंज हो भी गया, तो वो 200, 300 या 400 रुपये में एक्सचेंज होगा, मतलब आपके पास 1000 रुपये का भी फ़ोन पड़ा है स्मार्टफोन वर्किंग कंडीशन में, बस उसका कहीं से आगे पीछे से टूटा हुआ, वो आपसे 300, 400 रुपये का फ़ोन लेंगे। तो मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि फ्लिपकार्ट जो है, जो पूरा एक बैनर दिखाया था फ्लिपकार्ट ने सेल के दौरान कि आपका जो फ़ोन है किसी भी कंडीशन में वो चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं हो रहा है, वो एक फेक था कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने इसके जो कस्टमर केयर पर बात करी तो कस्टमर केयर ने भी मुझे कहा कि ये फ्लिपकार्ट जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज जो है शो कर रहा है, और विश मास्टर ने भी मुझे सेम आंसर दिया कि फ्लिपकार्ट जो है कस्टमर को बस अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें शो कर रहा है कि आपका किसी भी कंडीशन में फ़ोन हो, बस वर्किंग कंडीशन में हो तो आपका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी लंबी कंडीशंस हैं इसके लिए। तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं, और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके पास कोई अच्छा सा फ़ोन है तो वो एक्सचेंज होगा, कहीं से टूटा ना हो, स्क्रीन भी टूटी नहीं हो, कोई दाग धब्बा ना हो स्क्रीन के ऊपर, और आपको कोई चार्जर की देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बिल देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ईयरफोन देने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सिंपल सा फ़ोन देना है तो आपका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब मैंने आपको एक प्रूफ दे दिया कि फ़ोन एक्सचेंज हो रहा है या नहीं। तो ये है प्रूफ मैंने आपको दिया, तो अब आप सोच समझ कर जो है अपना फ़ोन एक्सचेंज करें, अगर आपका फ़ोन अच्छी कंडीशन में तो ही एक्सचेंज होगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स को क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।